every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get. Welcome to my another vlog. तो दोस्तों मैं आ गया हूँ एक और न्यू वीडियो लेकर के, जो कि ये वाली वीडियो हमारी फर्नीचर के ऊपर रहने वाली है। तो इस वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं झूला और डाइनिंग टेबल है और थ्री सीटर सोफे का सेट है और इनका क्या प्राइस होने वाला है, कौन सी लकड़ी से बनाया है, सब कुछ जानेंगे भैया से। भैया का नाम जान लेते हैं सबसे पहले। भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम अमान है। तो भैया का नाम अमान है और भैया आपकी शॉप कितनी पुरानी है यहाँ पे? सर हमारा 45 साल पुराना काम है। तो भैया अगर 45 साल पुराना यहाँ पे काम है, मतलब 45 साल पहले से ही काम चल रहा है। और तो भैया चलिए हमें ये पहले झूले के बारे में बताइए, इसका कैसे कैसे है। सर ये झूला शीशम की वुड में बना हुआ है और ये 30,000 रुपये का झूला है। तो ये 30,000 रुपये का झूला पड़ने वाला है, आपको दिखाना चाहूँगा। ये काफ़ी अच्छा, मतलब इस पर वर्क हुआ है, तो आपको मैं अभी दिखाता हूँ क्या गया। तो भैया कौन सी लकड़ी से बनाया अपना? सर ये शीशम वुड में बना हुआ। तो शीशम वुड में बनाया है, काफ़ी प्यारा, मतलब काम के हैंड वर्क हुआ है इसके ऊपर, दिखाना चाहूँगा। शीशम वुड में बना और ये 30,000 रुपये की रेंज में पड़ने वाला है। भैया अगर ऑनलाइन इसको चेकआउट करने जाते हैं, कहीं और से परचेज करते हो मार्केट, मतलब यहाँ से मार्केट के बाहर से, तो कितने रुपये का पड़ेगा? ऑनलाइन पे तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी सर, लगभग 70-80 हज़ार रुपये तो होगी। तो अगर ऑनलाइन आप इसको परचेस करना जाते हो तो ये लगभग 70 के आसपास ये झूला पड़ने वाला है, जो कि पूरा ये अभी कंप्लीट है ना भैया? कंप्लीट। देखिए देखने में भी मतलब कितना प्यारा ये झूला लगने वाला है, तो काफ़ी अच्छा है। इसका प्राइस जो रहने वाला है हमारा 30,000 रुपये की रेंज का रहने वाला है और काफ़ी मतलब टिप टॉप मस्त झूला है बिल्कुल एकदम, देखो तो काफ़ी अच्छा है ये, मतलब ऐसे ही दो आदमी आराम से झूल सकते हैं। तो दो आदमी मतलब बिल्कुल आराम से इस पे बैठ सकते हैं और काफ़ी अच्छा है। इससे फिनिशिंग का काम दिखाऊंगा आपको, थोड़ा दिखाना पास से आगे। तो काफ़ी मतलब प्यारा है, तो काफ़ी अच्छा वर्क किया गया है। तो शीशम वुड में ये देखिए झूला बना हुआ है, आपको दिखाना चाहूँगा। तो काफ़ी प्यारा मतलब इस पर वर्क हुआ है और ये 30,000 रुपये की रेंज में आपको पड़ने वाला है। अगर ऑनलाइन चेकआउट करना चाहते हो इसको, तो लगभग 70-75 के आसपास में ये झूला पड़ने वाला है आपको, तो काफ़ी प्यारा ये झूला है। तो भैया और क्या दिखाने वाले हैं हमें अभी? सर मैं आपको डाइनिंग सेट दिखाता हूँ। तो भैया अभी डाइनिंग सेट डाइनिंग टेबल है इस, ये काफ़ी अच्छी है। कौन सी वुड से बनी है भैया? सर ये टीक वुड में बना हुआ है। टीक वुड में ये डाइनिंग टेबल बनी है, आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा, मतलब तो काफ़ी अच्छी मतलब देखने में लग रही है। तो मतलब टीक वुड से ये बनाया, काफ़ी प्यारी है। और भैया इसका प्राइस क्या रहने वाला है डाइनिंग टेबल में? सर ये 25,000 है। तो 25,000 की आपको पड़ने वाली, अगर ऑनलाइन चेकआउट करने जाते हैं भैया इसको, ये लगभग ये भी आपको 70-80 हज़ार रुपये से कम नहीं मिलेगी, 50,000 रुपये तो मतलब 50 के बाहर ही इसका प्राइस पड़ने वाला है अगर ऑनलाइन चेकआउट करने जाते हो तो। मतलब काफ़ी यहाँ पे भी आपको फ़ायदा हो रहा है भैया, तो आप नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन में भैया का नंबर मिलेगा, वहाँ से आप भैया कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी चीपेस्ट प्राइस में आपको यहाँ पर मिलने वाला सारा सामान। तो इसकी क्वालिटी आपको पास से दिखाना चाहूँगा, काफ़ी अच्छी है भैया। जो ये सारा सामान आपने अभी हमें दिखाया, ये झूला और डाइनिंग टेबल वगैरह, तो ये मतलब ऑनलाइन अगर कस्टमर कोई आता है तो कैसे कैसे उसके लिए सुविधा अवेलेबल है? सर फ़ोन से भी अरेंज करा देते हैं सर हम, अगर हमारे पास में विजिट करना चाहे, अगर ऐसे कस्टमर को सहमति हो तो हम ऐसे भी अरेंज करके दे सकते हैं सर। बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लगभग हफ्ता 10 दिन का टाइम लगता है बनने में सर। भैया ये डाइनिंग टेबल तैयार होने में कितना टाइम लगा है? इसमें लगभग 10 दिन का समय लगा है सर। 10 दिन का टाइम लगा, तो मतलब आपको फर्नीचर का कोई भी डिज़ाइन दिया जाए तो आप उसको उसकी क्वालिटी और उसके डिज़ाइन पर डिपेंड करता है उसमें कितना टाइम लगता है, क्योंकि हैंडमेड काम होते हैं सर। अगर कार्विंग का काम इसमें होता तो थोड़ा और ज़्यादा समय लगता। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है देखिए डाइनिंग टेबल की, और पीछे झूला है। और अभी भैया हमको दिखाने वाले हैं 3 सीटर सोफा सेट, 5 सीटर, 3115 है ना, 2 1 सीटर 1 3 सीटर। तो भैया सोफे का सेट, ये 5 सीटर सोफा सेट है 311, इसकी कीमत 30,000 रुपये कीमत है सर इसकी। तो इसकी 30,000 रुपये कीमत है। अगर भैया इसको भी ऑनलाइन परचेस करना चाहे तो ये ऑनलाइन कितने का पड़ता है सर?
ऑनलाइन तो सर इसकी 55,000 से बाहर इसकी कीमत होगी मार्केट में। 55,000 से बाहर पड़ेगी इसकी कीमत? जी सर। तो काफ़ी मतलब अगर क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम है इसलिए हम बेनिफिट देते हैं कस्टमर को क्वालिटी में और रेट में सर। हमारे पास में हर मॉडल मिलता है, सोफा सेट का कोई भी डिजाइन हो, झूले का कोई भी डिजाइन हो, डाइनिंग सेट किसी भी तरह का हो सर, फर्नीचर में ऑल ओवरऑल सब कुछ हम रखते हैं सर, सब कुछ हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो भैया के पास में डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, अलमारी, झूला और वो क्या बोलते हैं सोफा एंड बेड, जो कि सोफा और बेड बन जाता है उसका, वो वाला भी भैया के पास में अवेलेबल है। सोफा कम बेड, सोफा कम बेड बोलते हैं ना भैया उसको। yes, तो सोफा कम बेड भी भैया के पास में अवेलेबल है और काफ़ी चीपेस्ट प्राइस में मिलेगा, जो कि भैया को आप कांटेक्ट कर सको वीडियो में, आप वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भैया का कांटेक्ट नंबर मिलेगा और जो कि यहाँ का एड्रेस वगैरह भी होगा वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो काफ़ी चीपेस्ट प्राइस में मिलेगा और वुड का काम मतलब इतने अच्छे तरीके से होता है यहाँ पर, काफ़ी अच्छे तरीके से नक्काशी का काम किया जाता है और यहाँ के कारीगर कैसे नक्काशी का काम करते हैं वो भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। तो भैया और क्या दिखाने वाले? सोफा कम मैं आपको बेड दिखाता हूँ। सोफा कम बेड, जो कि ये एक सोफा है और अगर इसको खोलते हैं तो इसका बेड बन जाता है ना भैया, तो काफ़ी प्यारा है ये, देखिए इसकी क्वालिटी भी। तो सोफा है भी और भैया खोलने के बाद में ये बन जाता है बेड। तो भैया दिखाना कैसे कैसे होता है। देखिए ऐसे ये कर करके ऐसे इसको खोल करके, तो दोस्तों अभी ये बेड बन गया है, तो काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है, आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ऐसे करके ये बेड भी बन जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसको फोल्ड करके बेड बन जाता है और इसको अगर अंदर करते हैं मतलब फोल्ड करते हैं तो ये सोफा बन जाता है। तो दोस्तों इसका भैया इसका प्राइस क्या रहने वाला? इसका प्राइस अगर गद्दे भी साथ में लेंगे तो 35,000 पड़ेगा सर। अच्छा 35 के आसपास पड़ने वाला है। जी सर, ये टीक वुड में बना हुआ है। तो दोस्तों ये टीक वुड में बना हुआ है और 35,000 रुपये का पड़ने वाला है भैया। जी सर। अगर ऑनलाइन परचेज करने जाए भैया इसको कस्टमर, ऑनलाइन परचेज अगर इसे करोगे ये भी आपको 50,000 से बाहर का ही पड़ेगा। तो ये भी 50,000 के बाहर ही पड़ने वाला है, तो काफ़ी अच्छा इसका क्वालिटी है। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर भाई पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। भैया बोल दो चैनल को सब्सक्राइब के लिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। हाँ, तो ऐसी नेक्स्ट फर्नीचर के ऊपर नेक्स्ट वाली वीडियो में हमारी जल्दी आएगी, तो जल्दी ही वीडियो लाऊंगा मैं भैया की शॉप पे। एक और यहाँ से कुछ भी परचेस करना हो तो भैया कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, और यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोग मतलब वीडियो देखते हो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, 95% लोग ऐसे ही चल जाते हैं, चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों आई होप यू आपको ये समझ आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वाली वीडियो में बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ भैया के यहाँ पे ना, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम आते रहते हैं और हैंडीक्राफ्ट का भी काफ़ी अच्छा सामान है भैया की शॉप पे, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा।